अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल की विद नाज़रीन को सब्सक्राइब नहीं किया या आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से हमारे चैनल की विद नाज़रीन के साथ जुड़ जाएं और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो ये चलते अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो है चिकन क्लब सैंडविच। और चिकन क्लब सैंडविच बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1/2 kg बोनलेस चिकन लिया है, 2 अदर टमाटर, 1 दरमियाने साइज़ का प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट। ये प्याज और टमाटर को बारीक बारीक चॉप कर लेना हम लोगों ने और लहसुन का पेस्ट डाल के जो है इसकी भुनाई कर लेनी है और फिर चिकन के अंदर शामिल करना है। तो स्टेप बाय स्टेप कैसे हम लोगों ने ये जो मिक्सचर है पहले क्लब सैंडविच का तैयार करना है वो मैं आपको सिखा रही हूँ और इसके बाद जो है हम अपने सैंडविच तैयार करेंगे। तो वह चलते हैं चूल्हे की तरफ और अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, अब हम लोगों ने बारीक बारीक जो है प्याज और चॉप कर लिया है और अब हम इसके अंदर जा रहे हैं कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, बिल्कुल थोड़ा सा डालना, हम लोगों ने ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि अगर हम लोग ज़्यादा डालेंगे फिर मिक्सचर है तो फिर वो बहता हुआ अच्छा नहीं लगेगा। तो अब हम लोगों ने इसको गोल्डन सा कलर देना है, इसके बाद हम लोग इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर शामिल करके जो चिकन है उसको डाल देंगे। वो कट रखना भी नज़र आता है। तो फिर जो प्याज हो गया इसके अंदर हम थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको भून लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम, ताकि जो हम चिकन डालेंगे उसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। इसी स्टेज पे हम लोग इसके साथ ही टमाटर और चिकन 1/2 kg भून ले जोर से ले जाओ, ताकि जो स्मेल है चिकन की वो ख़त्म हो जाए। ये कलर भी इसका वाइट जो से होना शुरू हो गया है, वो चिकन की स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाएगी। इसको अच्छे से मिक्स करके हम लोग थोड़ी देर ना पका लेते हैं और फिर इसके अंदर पानी डाल के इसको हम लोग गलने के लिए रख देंगे और बाद में हम लोग इसको जो है वो रेशा रेशा कर लेंगे। तो फिर इसी स्टेज पे हम लोगों ने 1/2 tablespoon जो है वो नमक ऐड कर देना है। इसके बाद हम लोग इसके अंदर शामिल करके काली मिर्च, लेकिन वो लास्ट पर क्योंकि अभी हमारा चिकन तैयार नहीं हुआ, अगर अभी डाल दिया तो वो कड़वा हो जाएगा, तो इसको हम लोग मिक्स करके पका के पानी डाल के गलने के लिए रख देते हैं। बस आप लोग देख सकते हैं चिकन जो है वो हमारा पक रहा है, थोड़ा सा पानी रह गया तो खुश करके फिर हम लोग इसके अंदर जो है 1/2 tablespoon काली मिर्च का शामिल कर देते हैं। ये तो व्यूवर्स आप लोग देख सकते हैं कि जो सा क्लब सैंडविच का चिकन मिक्सचर है वो हम लोगों ने यहाँ पर तैयार कर लिया है। रेशा रेशा मैंने इसको कर लिया है और अब यहाँ पर हम लोगों ने एक अंडा लिया है, इसके अंदर मैं ये नमक मिर्च मतलब काली मिर्च और नमक मैंने इसके अंदर शामिल किया वो मैंने डाल दिया। इसको अच्छे से फेंट कर हम जो सा इसको फ्राई कर लेते हैं और जो स्लाइस है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये केचप लगा ली हम लोगों ने स्लाइस और ये हम लोगों ने मायनीज लगा ली, मतलब क्लब सैंडविच है तो हम लोगों ने 3 और एक जोन सा पीस है वो सिंपल रखना है, ये तीनों को हम लोगों ने क्लब सैंडविच में यूज़ करना है। तो अंडा जोन सा है वो फ्राई कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं किस तरह हमने जो सा मिक्सचर की लेयर लगानी है, किस तरह हम लोगों ने अंडे की लेयर लगानी है। ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर हम लोगों ने अंडा जो सा फ्राई होने के लिए डाल दिया है और अब इसके मैं 2 हिस्से करके इसको जो सा पलट लेती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इस वक्त। बिस्मिल्लाह, ये देखें जी, बहुत ही मज़ेदार माशाल्लाह ये सैंडविच बनने वाले हैं, तो आप लोगों ने इनको ज़रूर ट्राई करना है। ये देखें जी, अब ये जो है अंडा एक साइड इसकी फ्राई हो गई है, उसी साइड को हम लोग फ्राई कर रहे हैं। जो मिक्सचर है वो हमारा गर्म ही है क्योंकि अभी हम लोगों ने आप लोगों के सामने इसको तैयार किया, तो साथ ही मैंने यहाँ पर अंडा फ्राई कर लिया है। तो इसकी लेयरिंग करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं क्लब सैंडविच तैयार करके। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने अगर तो हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर ले, हमारे चैनल की विद नाज़रीन सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि ये जो थी मेयोनीज़ वाला पीस, इसके ऊपर मैंने ये जो सा चिकन का मिक्सचर लगा लिया है। अब ये जो सादा स्लाइस था इसके ऊपर मैंने ये जो सा है अंडा रख लिया फ्राई किया हुआ और इसको इस तरह इसके ऊपर ये रखा और जो सा हमारा थर्ड स्लाइस, क्योंकि क्लब सैंडविच है तो थर्ड स्लाइस को हमने इस अंडे के ऊपर इस तरह से रख दिया। अब आप लोग जो से वो चाहते हैं तो इसके एजेस को काट सकते हैं और इसको प्रेस करके इसके कटिंग कर ले। इस तरह बाकी जो से हैं ये सारे मैं तैयार कर लेती हूँ, ये देखें आप, ठीक है। तो और फिर इसको डिश करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो व्यूवर्स माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो से क्लब सैंडविच हो गए हैं वो तैयार, तो मैंने इनको रैप भी कर दिया है। ये इसलिए किया है ताकि आप लोग, अगर आप लोगों के घर गेस्ट आने हैं या शाम में आपने चाय के साथ खाने हैं तो बना के आप इसको रख लें और गर्म करके आप माइक्रोवेव में इसको यूज़ कर लें। तो ये देखें आप ज़रा करीब से, चिकन भी है, मायनीज़ भी है, अंडा भी है, केचप भी, तो कितने प्यारे से जो से हमारे क्लब सैंडविच हो गए हैं तैयार।
तो व्यूवर्स देते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमारी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमें अपनी फीडबैक दें कि ये उनसे क्लब सैंडविच की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, ये आप लोगों को कैसी लगी है। अल्लाह हाफिज़।